वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूँ आपके साथ जिया। पौने 4 साल से फरार मेरठ का बदमाश बदन सिंह बद्दो एक बार फिर इंस्टाग्राम पर एक्टिव। बद्दो ने पूर्व आईपीएस ब्रजलाल की किताब के अंश इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं। कुख्यात बदन सिंह ने पूरे 10 पन्नों की पोस्ट इंस्टाग्राम पर साझा की है। UPSTF टीम द्वारा इनामी बदन सिंह बद्दो की तलाश लगातार जारी है। दरअसल बद्दो की हिस्ट्री शीट 26 सालों से चली आ रही है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा का रहने वाला बदन सिंह बद्दो लगभग 26 साल पहले एक मासूम सा ट्रक ड्राइवर था। फिर मारपीट और जानलेवा हमले की छोटी मोटी घटनाओं में उसका नाम मुख्य आरोपियों में आने लगा। धीरे धीरे उसके क्राइम की गति और सीरियसनेस दोनों बढ़ने लगे और बदन सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य सुशील मूछ और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आया। यहां से वह लगातार अपराध जगत की सीढ़ियां चढ़ता गया। कुख्यात बदन सिंह के खिलाफ हत्या से लेकर जमीन कब्जा करने तक सैकड़ों केसेस दर्ज हैं। केवल व्यवसायी पवित्र मेत्री की हत्या का भी वह मुख्य आरोपी है। साल 2011 में सदर थाना क्षेत्र में हुई बसपा जिला पंचायत सदस्य संजय गुज्जर की हत्या में भी बद्दो वांटेड है। इतना ही नहीं, एडवोकेट देवेंद्र गुज्जर हत्याकांड में भी बद्दो को आजीवन कारावास से सजा हो चुकी है। आप समझ सकते हैं बद्दो पश्चिमी यूपी का कितना बड़ा माफिया है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।